हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है, 10th फिजिक्स का 13th लेक्चर रहने वाला। तो आज के लेक्चर में हम आपका जो साइन कन्वेंशन है लेंसेज के लिए, स्फेरिकल लेंसेज के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका जो लेंस फॉर्मूला था, जैसे कि हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था, वैसे ही हम लेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे हमारे आज के लेक्चर में। और साथ ही उसका मैग्नीफिकेशन जो था, हमने इमेज की जो हाइट का रेशियो हमने ऑब्जेक्ट की हाइट से लिया था, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। और एक दो न्यूमेरिकल भी आज हम उस फॉर्मूला पर बेस्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज से पहले के जिन स्टूडेंट्स के लेक्चर्स मिस हो गए थे, छूट गए हैं, तो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनकी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आपको उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, उन पर उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होगी आपकी स्फेरिकल लेंसेज के लिए। इसके लेंसेज की जो आपकी साइन कन्वेंशन है, साइंस हैं, वो सेम एज इट इज रहेंगे, जैसा कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के केस में पढ़ा था। क्या देखा था उस टाइम पर हमने, ये हमारे पास एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारे पास क्या था, पोल कहें, जो आपका मिरर था आपका, जिस पर हमने रखा था, उसका जो ओरिजिन माना था हमने, वो क्या माना था, ये माना था जो उसका पोल था। ठीक है, तो इस ओरिजिन से, इस पोल से आपके इस तरफ के जो राइट साइड के जो आपकी वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यू इस पर लाई करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो वो सारी की सारी आपकी क्या ले रहे थे, हम पॉजिटिव ले रहे थे। ऐसे ही अप साइड वाली जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यूज थी, वो भी आपकी सारी की सारी हमने पॉजिटिव ली। और साथ ही जो आपकी इस तरफ थी, आपकी क्या था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस जो लेफ्ट हैंड की तरफ आपके, तो उसको हमने नेगेटिव लिया। और नीचे की तरफ आपकी जो आपकी हमारी इमेजेस की हाइट बन रही थी, उसको हमने नेगेटिव माना था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी सेम एज इट इज आपके लेंस के अंदर भी काम करेंगी। आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है किसी भी लेंस का, हमारे पास जैसे ये लेंस है, तो ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, उसमें हमारे पास क्या था, ये ओरिजिन, ये हमारे पास पोल होता था जो किसी मिरर के केस के अंदर। ठीक है, मिरर में हमें कैसे देखते थे, ये जैसे आपका मिरर था, ये आपका मिरर है, तो हमारे पास जो ये था, ये हम इसको पोल मानते थे, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस हो रही थी। तो सेम काम आपका ये ऑप्टिकल सेंटर करेगा, इसके अलोंग जो है, इसमें से होकर के आपकी प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम रिस्पेक्टिव में, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे, इस पॉइंट से राइट साइड की जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की वैल्यूज को पॉजिटिव लेंगे, इसमें हमारे पास जो पोल था उससे राइट साइड की पॉजिटिव ली थी, ऐसे ही इस पोल से अप साइड की जो भी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रही थी, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से वो अप साइड में जो चीज़ें थी, तो वो सारी पॉजिटिव ली थी। ऐसे ही लेफ्ट साइड का जो केस था, और नीचे जो डाउनवर्ड जो केस था, उसका आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस वाला। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन थी। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपके पास आपका लेंस जो फॉर्मूला था स्फेरिकल लेंसेज के लिए, वो क्या होगा, उसको लिखें, अगर हम उसको देखें तो वो क्या होगा, यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी, पिछली क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था। ये आपके पास क्या था, वी जो था ये इमेज डिस्टेंस था। ठीक है, u जो है आपका ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। और ये जो f है आपका, ये क्या आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ थी। तो ये तीनों चीजें जो v, u और f है, इन्हीं का यूज है, बस यहां पर एक चेंज आया है, यहाँ पर एक साइन के अंदर चेंज है, यहाँ नेगेटिव साइन है, वहां पर हम पॉजिटिव साइन लेकर के चलते थे। 1/image distance + 1/object distance = 1/focal length, ये आपका क्या था, इक्वल थे, इन दोनों का सम फोकल लेंथ के इक्वल था आपका। तो ये सब चीजें किस में यूज की थी हमने, हमने मिरर के फॉर्मूले के अंदर यूज की थी। वहीं उसका अपोजिट अगर हम देखें, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये आपका लेंस फॉर्मूले में केवल यही अंतर है, यही इसमें डिफरेंस था इन दोनों में।
सेम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, किसी लेंस की जो भी हैं उनके रिलेशन को देने वाला जो फॉर्मूला आपको, उनके बीच में कोई रिलेशन को एस्टेब्लिश जो फॉर्मूला करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेंस फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेंस फॉर्मूला। और वहीं अगर हम इसमें नेक्स्ट जो आपकी टर्म थी क्या थी, मैग्निफिकेशन, उसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका मैग्निफिकेशन है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये क्या होता था आपका एच डैश अपॉन एच। एच आपका क्या था, हाइट थी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और एच डैश आपकी इमेज की हाइट थी। वैसे ही आपके पास वी बाई यू के रेशियो के इक्वल हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक डिफरेंस आया है, चेंज आया है वैल्यू के अंदर, वो क्या था, वहां पर अपना जो ये रेशियो था वी बाई यू का, वो क्या था, नेगेटिव लेकर के चले थे हम, नेगेटिव ऑफ वी बाई यू। तो उसको हमने क्या बोला था, इमेज और उसका जो ये रेशियो था इसके इक्वल माना था। ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन माना था। तो ये आपका, आपको पता ही है ये क्या है, इमेज ऑफ हाइट या आपकी इमेज हाइट है, या आपकी ऑब्जेक्ट हाइट है, और ये आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चार चीजें थी आपकी, इसमें यूज होंगी एच डैश, एच, वी और व्यू। ठीक है, इन चारों का एक, ये यू कहें इन चारों वैल्यूज की एक इक्वलिटी है। ये इस इक्वलिटी का जो यूज हम मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसी आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज आई है उस इमेज की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, उन सभी चीज़ों को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आपकी इसके बारे में थी। बस इसमें ये याद रखना है कि मिरर के अंदर यहाँ नेगेटिव साइन आया था, बट यहाँ पर इसमें पॉजिटिव साइन रहेगा, या यूँ कहें कोई भी साइन नहीं रहेगा। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन था आपका लेंसेज का, ये आपका लेंस फॉर्मूला था, और ये आपका जो था, ये जो आपका था ऊपर हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ी थी वो सेम एज इट इज आपकी मिरर फॉर्मूला जो था, मिरर स्फेरिकल जो मिरर्स थे उनके अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो सेम एज इट इज वही रहेगी। ठीक है, एक इसका न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल इसके आज की क्लास में हम देखते हैं, जिससे आपका ये जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मूला, आपको अच्छे से यूज करना भी आ जाएगा और ये क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। हमें कह रहा है कि कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कि हमें जो इमेज का डिस्टेंस है आपका लेंस से वो दिया गया है, बट आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो स्मॉल यू था आपका, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो दूरी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें फोकल लेंथ भी दी गई है, वो कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, यानी कि जो आपकी इमेज आई है वो किस हाइट की होगी, किस चीज़ का मल्टीपल जो है उसकी हाइट होगी, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें निकालनी है। अब हमें इसको जब सोल्व करोगे आप, एक बार खुद से ट्राई भी करना, आपका जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ मैं एक बार। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का हमने यूज करना है। ठीक है, अब बात आती है एफ, यू और वी की जो वैल्यूज हैं, क्योंकि यू की तो हमें फाइंड आउट करनी है, एफ की और वी की वैल्यू हमें दी गई है। ये आपकी एफ की वैल्यू है, और ये आगे आपकी इसमें ये यहाँ पर जो है वी की वैल्यू भी आपको दी गई। ठीक है, ये दो वैल्यूज जो है आपको दी गई है, इस तीसरे को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन का अच्छे से यूज करना है, और साइन कन्वेंशन का यूज आप कब कर पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि कॉनकेव लेंस की जो फॉर्मेशन है आपकी वो कैसी होती है, उसकी शेप कैसी आती है। ठीक है, हम जब भी डिस्कस करते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या होता था, कॉनकेव लेंस होता था। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, तो इसका जो कर्वेचर बनेगा ये यहां से इस तरफ बना। ठीक है, अब बात आती है कि सर दोनों तरफ जो कर्वेचर है वो फॉर्म हो रहा है, बट आपके पास जो प्रिंसिपल, यूं कहें मेन जो आपका होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस का जो केस पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है आपका लेफ्ट साइड वाला होता है,
जो हमने सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस जो भी चीज़ें हमने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ी थी वो किस साइड थी आपकी, इस साइड थी, तो उसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये, इस पर हम क्या लेकर के चलेंगे, आपका ये प्रिंसिपल जो फोकस था वो कहीं यहाँ था, इसका हाफ था इस सेंटर से, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी थी इतनी, इसको हमने क्या माना था, एफ माना था सेकंड फोकस, और यहाँ फोकस माना था, और यहाँ पर इस हाइट का जो डबल था उसको हमने क्या माना था, सेकंड फोकस माना था। तो मेन जो आपका था, आपका फोकस वगैरह, ये सेकंड फोकस था, ये इसका डबल 2f था, ठीक है, ये आपका आर कहें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थी, वो सारी चीज़ें किस तरफ लाई कर रही थी आपकी, मेन जो थी वो कॉनकेव लेंस के केस में हमने किस तरफ पढ़ी, किस तरफ डिस्कस की थी, वो इस तरफ कहीं डिस्कस की थी, और आपका जो इमेज की फॉर्मेशन हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, वो इसी साइड कहीं पर हुई थी। वहीं बात करें अगर हम इसमें जो आपका कॉनवेक्स लेंस था, कॉनवेक्स लेंस में आपके पास जो आई थी वो राइट साइड में आई थी, वो अगले जो क्वेश्चन होगा हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो हम लेकर के चलते हैं जो इस केस के अंदर कॉनकेव लेंस के अंदर, मैंने उस टाइम पर भी आपसे कहा था कि सारा काम जो है इसका लेफ्ट साइड का जो आपका हिस्सा है इस कॉनकेव लेंस में उस पर डिस्कस करते हैं हम, उसी पर हमारे पास जो इमेज वगैरह जो भी फॉर्मेशन होती है वो कहाँ हो रही थी, वर्चुअल इमेज हो रही थी यहाँ से, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था, मेन सारी चीज़ें थी वो कौन सी थी आपकी, लेफ्ट साइड वाली। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन का अगर हम यूज करते हैं तो क्या आएगी आपके पास, ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गई, तो ये आपके पास नेगेटिव हम लेकर के जब चलते हैं यहाँ से, तो आपके पास क्या है, वी जो है वो क्या आया, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें अगर एफ की, तो एफ क्या है आपकी फोकल लेंथ, और ये कितनी दी गई है, ये भी आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन वैल्यूज को जो है आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास क्या आया, इसको जब आप सोल्व करोगे, 1 अपॉन यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ये 1 अपॉन वी जो था इसको आप एज इट इज रखो, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेकर के आओगे, तो 1 अपॉन एफ नेगेटिव में चला जाएगा, और इसका जो नेगेटिव था वो प्लस में चला गया, ये आपके पास फॉर्मूला जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो बन जाएगा रीअरेंज करने पर। अब ये वैल्यूज पुट करो, 1 अपॉन माइनस टेन और इस तरफ माइनस ऑफ 1 अपॉन, ये आपका क्या है, माइनस ऑफ 15, और इस तरफ क्या है, 1 अपॉन यू, ठीक है। अब ये 1 अपॉन यू की जो वैल्यू है इसको जब आप फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस 1/10 है, प्लस में 1/15 है, इनको कैसे सोल्व करते थे, एलसीएम लेंगे, 30 आ गया, यहाँ से -3 और यहाँ से +2, ये आ गया, इसको जब आप सोल्व करके लिखोगे तो -1/30 आ गया, और इसको जब रिवर्स करोगे तो u की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है किस डिस्टेंस पर होना चाहिए आपके लेंस से, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर जो है उसका डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आएगा। अब नेक्स्ट जब हम इसमें चले आगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन का अभी हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। ये था v की वैल्यू और u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, v की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -10, और u की वैल्यू आपके पास क्या है, -30, इस माइनस से माइनस प्लस, तो ये यहाँ से आपका 1/3 आ जाएगा एच डैश और एच का रेशियो। तब हम इसमें अगर फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो एच डैश है इमेज की हाइट वो क्या होगी, वो आपकी 1/3 का मल्टीपल होगा किसका, आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगी, आपकी हाइट ऑफ इमेज के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो 1/3 होगा किसका, आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट का, ये आपके पास आएगा। अब आपका जो यूँ कहें इसका जो मैग्नीफिकेशन जो आई है इसकी वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो आपका ऑब्जेक्ट जो हाइट होती थी उसको हम कैसे लेते थे, वो पॉजिटिव है, अब वो पॉजिटिव है तो आपके पास ये जो टर्म थी ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का जो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इमेज की हाइट अगर आपकी पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव आने की वजह से आपके पास इमेज की फॉर्मेशन जो है वो अपराइट होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट जब भी कोई इमेज बनती है तो आपके पास क्या होता है, वो वर्चुअल होगी। उसकी हमें प्रॉपर्टी को पढ़ा था हमने, जो
इमेज फॉर्मेशन किया था उस टाइम पर कि जो भी इमेज वर्चुअल होगी उसकी हाइट आपकी क्या आती है, इरेक्ट आती है, उसकी जो हेड होता है वो अपराइट होता है, ठीक है। तो इमेज अपराइट है और इस वजह से आपकी जो वर्चुअल थी और ये अपराइट आई है, तो ये सारा आपका क्या था, एक दूसरे से कोरिलेटेड जो टर्म्स थी, नेचर था आपकी इमेज का, ठीक है। पोजिशन की बात करें तो ये क्या है, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर दी गई है आपको। आप यहाँ से जो है अंदाज़ा यहाँ भी लग रहा था हमें, ठीक है, ये माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट आपका माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर है। आपकी कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज किस तरफ मिलती है हमें ज़्यादातर, जो भी इमेज की फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रही होती है, हम वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ से आपके पास जो है ये सारा सोल होने के बाद आ जाएगा। इसका यूज़ हमें कैसे करना है, केवल इस नेगेटिव का ध्यान रखना है, बाकी सारा काम सेम एज इट इज़ जो हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था वही होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेकंड जो न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। और आपका जो कन्फ्यूजन कुछ रहा होगा पिछले जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्लियर यहाँ से बहुत हद तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस था आपका, इसके परपेंडिकुलर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता था आपका, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, और इसने कहा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट की हाइट इसने दी हमें, कितना कहा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कितना टोल है, कितनी इसकी हाइट है, 2 सेंटीमीटर की, यानी कि जो ये एच है वो आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो आप कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हमारी जो फोकल लेंथ होती है, इसकी जो कर्वेचर, मेन जो कर्वेचर हम लेकर के चलते हैं वो कौन सी होती है आपकी, राइट साइड वाली, ठीक है, मेन जो प्रिंसिपल फोकस कहें, जो भी चीज़ें आपकी जो मेन है ऑब्जेक्ट की इमेज वगैरह, जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट होती हैं वो कहाँ होती हैं आपकी, हमें राइट साइड में। तो इस राइट साइड वाले इस फोकस पर हम आते हैं, ये आपका एफ था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस था आपका एफ, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये राइट साइड में हमारे ओरिजिन के, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के, तो ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। वहीं बात करें इसकी जो आपकी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की हम बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा आएगा आपका u, और वो नेगेटिव ऑफ, ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस 15 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में था ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दो चीज़ें जो थी, इनकी जो साइन कन्वेंशन थी वो आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। कॉनकेव लेंस में हमने वहाँ पर क्यों लिया लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा जो इमेज की फॉर्मेशन थी, प्रिंसिपल जो फोकस हम लेकर के चलते थे उसमें, हमने पीछे जब उसकी इमेज फॉर्मेशन की थी उस टाइम पर भी अच्छे से डिस्कस किया था। तो सारा काम कहाँ होता आपका, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वाला ही आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, सेकंड फोकस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरफ ली थी, लेकिन यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, ये राइट साइड वाला, तो यहाँ पर हम इसको लेकर के चलते हैं। ये आपके पास फोकस आ गया, ये फोकल लेंथ आ गई प्लस 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बताना है कि नेचर क्या होगा, पोजिशन क्या होगी, साइज क्या होगा आपका इमेज का, और नेक्स्ट हमें मैग्निफिकेशन भी बताना है अलग से। एक तो हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इसको जब फाइंड आउट करोगे तो भी हम क्या निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई होगा किससे, आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपके पास क्या आएगी इमेज, जो साइज ऑफ इमेज है वो आएगा। बट यहाँ पर इसने क्या कहा है कि एक बार अलग से मुझे मैग्निफिकेशन क्या होगा वो भी बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें फॉर्मूला में याद हो ही गया होगा, उसमें रखते हैं वैल्यू, 1 upon v - 1 upon u = 1 upon f था, तो ये जब यहाँ से माइनस वाला जो टर्म है ये इस तरफ जाएगी, तो 1 upon v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 upon f + 1 upon u के, ये आ गया। अब इसमें हमने क्या वैल्यूज रखनी है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से 1 upon v जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 1 upon f की वैल्यू कितनी दी, 10 सेंटीमीटर, माइनस हो इस u की वैल्यू क्या थी, -15, तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस यहाँ लगा दिया बीच में,
ये आ गया। अब ये फॉर्मूले का माइनस ये नहीं है, ये आपका इस 15 का माइनस था जो मैंने डायरेक्टली बीच में लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। और आपके पास क्या दिया गया था, इसको सोल्व करो आप। अब यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, वही 30 का। और इस 30 में से आप जब करोगे तो ये 3 माइनस में ये क्या है आपका 2, तो ये 1/30 जो आपकी क्या आ जाएगी, इसकी 1/v के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आप इन्वर्स करते हैं तो आपके पास v की क्या आई, 30 सेंटीमीटर जो है वो आ गया v की वैल्यू। अब v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आई, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉजिटिव जो आपकी पोजिशन है वो कहाँ पर आएगी, वो आपकी इस ऑप्टिकल सेंटर से कहीं पर भी 30 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ है कहीं भी है, बट वो कहाँ है आपकी राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, तो इस तरफ कहीं 30 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से आपका रहने वाला है। ठीक है, इमेज का जो आपकी लेंथ है वो रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, बाकी ये जो आपका 30 सेंटीमीटर है ये इससे कहीं पीछे होगा, क्योंकि आपकी एफ जो है उसकी लेंथ हमें कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, तो 2f जो आपका होता था वो क्या आएगा 20, और इससे पीछे 30 जो है वो कहीं पीछे और चला जाएगा। तो ये आपका जो 30 सेंटीमीटर हम माने तो कहाँ से हो गया, ये कहीं इस डिस्टेंस पर जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर लगभग यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, ये रफली मैं वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना था कि इसकी पोजिशन जो हमने यहाँ बता दी, नेचर बताना है। अब ये नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव इमेज आई है तो पॉजिटिव इमेज कब बनती है, इस लेंस के इस तरफ इमेज कब बनती है आपकी, जब हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज के लिए जो रेज थी गई थी, रिफ्रैक्टेड रेज जो गई थी, वो रिफ्रैक्टेड रेज रियल में मीट करेंगी तभी तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इस तरफ इमेज बनेगी, वरना वर्चुअल में तो वो उस तरफ चली जाती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी कि आपका जो नेचर है वो कैसा होगा, वो आपका जो है रियल में वो कहीं मीट करेंगे, रियल है तो कैसी आएगी, वो डाउनवर्ड उसकी हाइट आनी चाहिए, उसकी जो हम लेते थे उसकी जो हेड है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि आपकी जो इमेज जो है वो कुछ इस तरह से आएगी इन्वर्टेड। अब ये आएगी या नहीं उस चीज़ को हम कन्फर्म करते हैं हमारे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से, और उसका साइज निकालते हैं हम हमारी इमेज का। अब यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो आपके पास जो है एम जो है वो किसके इक्वल था, एच डैश अपॉन एच के, और ये किसके इक्वल था, वी बाई यू के। तो ये जो रेशियो है यहाँ से हम एच डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच डैश क्या होती थी आपकी इमेज की हाइट, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस है, ऊपर वाली प्लस है। वही बात करें हम इसमें एच डैश की, वो हमें फाइंड आउट करना, और एच की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 2 सेंटीमीटर की वैल्यू थी। तो ये 2 सेंटीमीटर अगर यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेकर के जाऊँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, इस 15 से इसको करोगे तो ये 2 आ गया, तो यहाँ से माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ गई किसकी आपकी, इमेज की एच डैश आ गई। यानी कि आपका जो हमने एज्यूम किया था कि इमेज जो है वो रियल है तो इन्वर्टेड आएगी, वो आपकी यहाँ से आपके पास जो उसकी कन्फर्मेशन कहें उसका प्रूफ कहें वो आ गया कि माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर आया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट इसकी इमेज की हाइट आपकी कितनी आएगी, वो 4 सेंटीमीटर है, बट इसका जो हेड है वो किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है, इमेज की जो यूँ कहें वो इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ से हम क्या लेते थे, इसको नेगेटिव लेकर के इसको शो करते थे, तो ये आपके पास क्या है इमेज की एक्चुअल हाइट 4 सेंटीमीटर आ गई। अब बात करें कि इसका मैग्निफिकेशन भी हमें अलग से फाइंड आउट करना था, तो मैग्निफिकेशन क्या था आपका, वो इसका ये मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, या तो एच डैश का एच से रेशियो निकाल दें या फिर वी का यू से रेशियो निकाल दें, उसी को हम मैग्निफिकेशन बोल रहे थे। तो वी का यू से रेशियो हमने अभी किया तो इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी, माइनस 2 आई थी, और इसको हाइट किसकी ऑब्जेक्ट की हाइट से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 4 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि माइनस 2 जो है उसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी। वही बात करें अगर हम एच डैश और एच का रेशियो निकालें अगर, तो क्या आएगी, तो माइनस 4 सेंटीमीटर क्या थी आपकी एच डैश थी, उसको इस 2 से डिवाइड करोगे तो भी माइनस 2 आ रही है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन होगा। बट यहाँ पर ये क्या चाह रहा है आपसे, ये चाह रहा है कि एच डैश बाई एच का जो रेशियो आएगा आप उसको फाइंड आउट करें, ना कि वी बाई यू को डायरेक्ट रख दें। ठीक है, उसका अलग से क्वेश्चन पूछने का मतलब ही ये था कि आप इस फॉर्मूला का यूज मैग्निफिकेशन के लिए ना करें, इस फॉर्मूला का यूज हमने हाइट निकालने के लिए किया। अब आगे हमें क्या करना है, इस एच डैश बाई एच का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है, और उसको हमने क्या बताना है कि ये मैग्निफिकेशन का जो रिजल्ट है वो आएगा कितना आपका माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका ये न्यूमेरिकल था, सेकंड न्यूमेरिकल था आपका लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है,
आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो एक बार आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार जो हमने कॉनकेव लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी वहाँ पर जाइए, उन लेक्चर्स को एक बार देखिए, वहाँ से आपका जो ये डाउट बनेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, कॉनकेव के लिए भी और कॉनवेक्स के लिए भी। तो आप सब चीज़ों को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया और आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लो और जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप आपके लेक्चर्स को जो है कंटिन्यू रख सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।